लोटस प्रेगनेंसी केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज का मेरा टॉपिक है, क्या प्रेगनेंसी में माइग्रेन की दवाएं लेना सुरक्षित है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। माइग्रेन होने पर सिर में तेज दर्द होता है। माइग्रेन एक तरह की न्यूरोलॉजिकल समस्या है। माइग्रेन होने पर दिमाग में रक्त संचार बढ़ जाता है, जिसके कारण तेज दर्द महसूस होता है। जिन महिलाओं को माइग्रेन की समस्या है, उनकी तकलीफ प्रेगनेंसी के दौरान दोगुनी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोनल असंतुलन रहता है, इस वजह से माइग्रेन का दर्द बढ़ सकता है। नींद में बदलाव, तनाव लेना, खान पान में बदलाव और दवाओं के सेवन के कारण माइग्रेन की तकलीफ बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में महिलाएं माइग्रेन की दवाओं का सेवन कर लेती हैं, लेकिन क्या ये दवाएं होने वाले शिशु की सेहत को प्रभावित करती हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या प्रेगनेंसी में माइग्रेन की दवाएं लेना सुरक्षित है? प्रेगनेंसी में माइग्रेन के दर्द को कम करने के लिए आप कौन सी दवा खा रही हैं, इस आधार पर तय किया जाएगा कि गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रेगनेंसी में माइग्रेन की दवाएं सुरक्षित हैं या नहीं। सर दर्द को दूर करने के लिए पेन किलर्स जैसे एस्पिरिन और आइब्रूफेन का सेवन गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित माना जाता है। हालांकि दर्द कम करने के लिए कई बार पैरासिटामोल दे दी जाती है, लेकिन उसे भी डॉक्टर की सलाह पर ही खा सकते हैं। माइग्रेन का दर्द दूर करने के लिए कुछ दवाओं में कैफीन मिलाया जाता है, जो कि डॉक्टर प्रेगनेंसी में खाना अच्छा नहीं समझते हैं। इसलिए माइग्रेन के दर्द से बचने के लिए उपाय ही उसका सही उपचार कहलाएगा। कई थेरेपी ऑयल और तकनीक हैं जिनकी मदद से आप माइग्रेन का दर्द दूर कर सकती हैं और दवाओं के सेवन से बच सकती हैं। ऐसे उपायों को जरूर अपनाएं। प्रेगनेंसी में माइग्रेन के दर्द को कैसे पहचाने? प्रेगनेंसी में कई तरह के सरदर्द महसूस हो सकते हैं। ऐसे में आपके लिए यह पहचान पाना मुश्किल हो सकता है कि दर्द तनाव के कारण है या माइग्रेन के कारण है। माइग्रेन होने पर सर के एक तरफ दर्द या दोनों तरफ दर्द रुक रुक कर होता है। माइग्रेन का दर्द कई घंटों तक बना रह सकता है। दर्द की प्रबलता तेज होती है और शारीरिक गतिविधियां जैसे सीढ़ियां चढ़ने और वॉक करने पर दर्द बढ़ सकता है। माइग्रेन होने पर सर धड़कता हुआ महसूस होता है। वहीं अगर दर्द तनाव के कारण होगा तो वह कुछ समय में ठीक हो जाएगा। इस दर्द में शारीरिक गतिविधियां के दौरान तकलीफ बढ़ती नहीं है। प्रेगनेंसी में माइग्रेन का दर्द कैसे कम करें? जब आपको माइग्रेन का दर्द हो तो आराम करें। अधिक थकान और स्ट्रेस प्रेगनेंसी के दौरान माइग्रेन को बढ़ा सकते हैं। पानी की कमी से माइग्रेन का दर्द बढ़ जाता है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। माइग्रेन का दर्द कम करने के लिए सर पर ठंडी पट्टी रखें। माइग्रेन और दर्द पर हेल्दी डाइट लें। वो भोजन बंद करें जो माइग्रेन को बढ़ा सकता है, जैसे कि कैफीन, चॉकलेट और मैदा। ध्यान और योग का अभ्यास करने से स्ट्रेस कम हो सकता है, जिससे माइग्रेन के दर्द को कम किया जा सकता है। यहाँ पे एक मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी मेडिसिन, जैसा मैंने आपको कुछ दो तीन दवाइयों का नाम बोला है, आप अपनी इच्छा से मत लें। आप प्रेग्नेंट हैं, आप बिना अपने डॉक्टर के इजाज़त के बिना कोई भी दवाई आप ना लें। डॉक्टर आपको बोले ये दवाई आपको लेनी है, वही दवाई आपको लेनी है। वो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी आपको बताता हूँ कि आपकी प्रेगनेंसी कितने महीने की है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, आप जो मेडिसिन खा रहे हैं वो शरीर में आपको जमेगा या नहीं जमेगा मुझे नहीं पता है। आपका लेडी डॉक्टर को पता है जो आपका रेगुलर आपका ध्यान रख रही है, तो इसलिए उस डॉक्टर से पूछना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद।